और इनके दरबार की हाजिरी करने के लिए शेर भी आता है यहाँ पर। हाँ, और इस दरबार का एक वो है कि आज तक यहाँ पर किसी को ना सांप शैतान सताया, ना बिच्छू डंक मारा यहाँ पर गैवंशा दरगाह, ना कभी शेर किसी को तकलीफ दिया यहाँ पर जी। शेर अभी भी आते हैं, अभी भी रहते, डेली शेर आते बाबा को सलामी देने के लिए। हाँ, डेली शेर आते बाबा को सलामी देने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नसीम रजा कादरी, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं भाइयों फिर से एक नए दरगाह शरीफ के लिए आ गया हूँ। मैं भांडू वेस्ट में आया हूँ, यहाँ बहुत सारी दरगाह स्थित है। मैं पहली दरगाह आया हूँ हज़रत सैयद गैवन शाह व रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो आपको मैं हज़रत की हिस्ट्री बताता हूँ और दरगाह शरीफ आप कैसे आ सकते हो, आपको पूरा रास्ता बताता हूँ। चलिए हिस्ट्री मालूम करते हैं। और बहुत सारी दरगाह यहाँ पे, तो पूरी मतलब भांडुप की सीरीज आने वाली है, तो आप ज़रूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करो। चलिए देखते हैं। तो भाई वो रोड दिख रहा है, वहीं से हम चलते आए हैं। सरकार का आस्थाने का गेट देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत गेट है। अभी मदरसे के बच्चे देखो, छोटे छोटे माशाल्लाह, मदरसे के छोटे छोटे बच्चे जो अरबी पढ़ते हैं। सरकार का नाम पढ़ सकते हो आप, हज़रत सैयद पीर गैबन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह माशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं आस्थाने के अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया गया है, तो देखो बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अभी छोटे छोटे बच्चे अभी मदरसे से छूटे हैं अभी माशाल्लाह। देखिए भाई सामने आस्थाना दिख रहा है, यही सैयद गैबन शाह व रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए पूरा सुभान अल्लाह। उधर गेट दिख रहा है आपको, वहीं से चलते हुए आया हूँ मैं। ये देखिए ये मदरसे के बच्चे, माशाल्लाह। ये सरकार का आस्थाना हजरत सैयद गैबन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना। और वजू खाना भी है, बहुत सारे आस्थान है। आपको मैं जियारत और हिस्ट्री बताता हूँ। मैं पहले आपको चारों तरफ के दरगाह के बाहर का नज़ारा करा देता हूँ, फिर आपको हजरत सैयद गैबन शाह व रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेके चलता हूँ, आपकी हिस्ट्री बता। देखो दरगाह बनाई, मस्जिद बनाई जी, जिन्होंने यहाँ पर तरक्की किया सब जी, उनका अमरुद्दीन शाह कादरी है, इन्होंने यहाँ पर सब कुछ किया। अच्छा माशाल्लाह, दरगाह बनाई, मस्जिद बनाई। अच्छा ये पूरा पानी का इंतजाम नहीं था, उन्होंने पानी का इंतजाम किया यहाँ जी। एक दौर में लोग पैदल आते थे चल के, यहाँ पानी वानी कुछ भी नहीं था भाई। अच्छा यहाँ पर तालाब भी जाना पड़ता था पानी लाने, फिर उन्होंने बोरिंग करवाया यहाँ पर, पानी का सुविधा करवाया जी, मस्जिद बनवाई, वजू खाना बनवाया जी। दरगाह की तामीर की, दरगाह भी जो है पतरे का था, पतरा था पहले, इन्होंने किया। इनको हो गया 70 साल इन्होंने खिदमत करी। अच्छा 70 साल, ये सब खादिम। अच्छा ये सब खादिम, ये सब खादिम लोग का आस्थाना है ये सैयद। चलिए मैं आप चारों तरफ से व्यू दिखा, मस्जिद भी है, मस्जिद का भी दिखा देता हूँ आपको मैं। चलिए दिखाता हूँ, ये सरकार का आस्थाना है माशाल्लाह। ये देखो ये इधर वजू खाना है, इधर आप वजू कर सकते हो माशाल्लाह। इधर आप वजू कर सकते हो, ये देखो पूरे वजू करने के लिए इंतजाम है। सामने मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, और यहाँ बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, मदरसा भी है माशाल्लाह। 9 से 11, 2 से 4 ये मस्जिद है, पांचों टाइम की नमाज, जुम्मा भी होता है माशाल्लाह। तो जब आप यहाँ गैबन शाह जामा मस्जिद माशाल्लाह। चलिए आपको थोड़ा मस्जिद के अंदर का नज़ारा आपको करा देता हूँ, भी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है, और गैबन शाह के नाम पे मस्जिद है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए मस्जिद गैबन शाह जामा मस्जिद माशाल्लाह। देख लिया अपनी मस्जिद, अब थोड़ा आपको और एतराफ़ का दिखा देता हूँ सरकार के, फिर दरगाह शरीफ की आपको मैं ज़ियारत कराता हूँ माशाल्लाह। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये सामने जो आस्थाना दिख रहा है, यही हज़रत सैयद गैबन शाह व रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है माशाल्लाह।
ये देखो बैबन शाह जामा मस्जिद माशाल्लाह, नाम पढ़ सकते हो आप। ये सब तुम्हें बता ही दिया है, सब खादिमों की मज़ार है, उधर सैयद साहब की मज़ार है, और बीच में जो पूरे ये पूरा मस्जिद ये दरगाह की पूरी तामीर करा है, पूरा हजरत ने कराए थे, उनका भी आस्थाना यहीं पे बनाया गया है माशाल्लाह। तो चलिए आपको मैं अभी आस्थाने की ज़ियारत कराता हूँ और आपको हजरत सैयद देवबंद शाह रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री बताता हूँ। चलिए माशाल्लाह, बताया जाता पहले पूरे इधर पे जंगल था, ये सरकार हजरत सैयद देवबंद शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, मैं जावेद अली हाशमी बोल रहा हूँ, देवबंद शाह दरगाह के खादिम हूँ। इनका हमारे वालिद इनका खादिम थे, पहला 40 साल उन्होंने किया, अभी उनका इंतकाल हुआ, 2 साल हुआ है, अभी मुझे मिला है, यहाँ का खिदमत में कर रहा हूँ। और सरकार के बारे में है कि सरकार बगदाद शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हैं हज़रत सैयद देवबंद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। इनके दरबार में हर किस्म के मर्ज ख़त्म होता है, सबसे बड़ा तो कैंसर ख़त्म होता है इनके यहाँ पर। कैसा भी कैंसर कितना भी पुराना हो, लोग आते हैं यहाँ पर, मन्नतें मांगते हैं, धागा बांधते हैं, गुड़ का मन्नत होता है यहाँ पर, और इनके दरबार की हाजिरी करने के लिए शेर भी आता है यहाँ पर। हाँ, और इस दरबार का एक वो है कि आज तक यहाँ पर किसी को ना सांप शैतान सताया, ना बिच्छू डंक मारा यहाँ पर देवबंद शाह दरगाह, ना कभी शेर किसी को तकलीफ दिया यहाँ पर। और ये दरगाह शरीफ है भांडुप वेस्ट में है, भांडुप कॉम्प्लेक्स में आता है देवबंद शाह कादरी की दरगाह, 500 साल पुरानी दरबार है। हाँ, और इनका उर्स मुबारक अभी 5 और 6 दिसंबर को है, उर्दू की 10 तारीख को गुसल है और 11 तारीख को संदल है आपका। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर माहिम से आते हैं, बम्बे से आते हैं, और यहाँ से आने के लिए जो है माहिम शरीफ से 408 नंबर बस आती है, और ट्रेन से अगर आपको आना है तो मुलुंड स्टेशन उतरना होगा, वहाँ से 391 बस पकड़ के दरगाह गेट पर ला के छोड़ती है आपको। हाँ, 5,000-10,000 लोग को भीड़ होता है यहाँ पर, यहाँ पर लंगरे आम भी होता है हमारे ट्रस्ट यान की तरफ से। हाँ, उस महफिल समा होती है इनका, उर्स दिसंबर में आता है। अभी ये तो 100 उर्स तो हम लोग जानते हैं, हमारे वालिद से हमको पता चला, 70 साल तो उनको हो गए खादिम को आकर के, उससे पहला भी लोग मनाते थे यहाँ पर अपने अपने तौर से, लोग सरकार को मानने वाले जो थे, पहले आदिवासी लोग सरकार को मानते थे, जिसको इनको गौरिया पीर से मशहूर थे, लोग गौरिया पीर इनको बोलते थे। हाँ, एहतराम में ये जो मस्जिद है हजरत देवबंद शाह कादरी नाम से जामा मस्जिद है, ये सरकार का एहतराम है, पूरा सहन है, उर्दू स्कूल है यहाँ पर, ये आस्थाना है सरकार का, ये देवबंद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, ये बनाया इन्होंने, हाजी अमीनुद्दीन शेख ने बनाया है, इसको तामीर किया है। और उसके बाद और ये सब खादिम लोग की मजार है। हाँ, उधर से लो पहला, ये जो है ये हजरत सैयद साहब हैं, बाबा के साथी हैं इनको। हाँ, पहली मजार जो है बाबा के साथी हैं जी। और ये हाजी अमीरुद्दीन शेख हैं, बाकी ये सब मुजावर लोग की खादिम जो बाबा गुजर गए, जो खिदमत किए, जैसे आज मैं खिदमत गुजार हूँ यहाँ का, हमारे वालिद को हुआ, लेकिन उनको यहाँ जगह नहीं मिला, यहाँ जगह नहीं रहने को उनको बाहर रखा गया है। हाँ, यहीं पर हैं, बाहर माजी के यहाँ रखा गया है उनको। वो छबील मुबारक है, वो किसी के मन्नत पूरा हुआ है। यहाँ पर पानी की तकलीफ था, लोगों बावड़ी से पानी भर के जमा करते थे, तो किसी की फांसी होने वाली थी, वो आके सरकार में मन्नत मांगी, सरकार मेरे आदमी का फांसी अगर रुक जाएगा तो मैं यहाँ पर छबील बनवाऊँगी। उनके सरकार के हुक्म से जो वहाँ पर गए लोग फांसी पर लटकाने गए, तो वहाँ वकील लिख रहा था कि भाई उसको फांसी दी जाए, तो वहाँ पर कैंसिल हो रहा था, तो उन्होंने आकर के यहाँ पर जो है ये छबील का ताउन किया जी। शेर अभी भी आते हैं, अभी भी रहते, डेली शेर आते बाबा को सलामी देने के लिए। हाँ, डेली शेर आते बाबा को सलामी देने के लिए। और अगर जाहिरीन यहाँ पर आना चाहते हैं तो कैसे आते? जाहिरीन अगर आना चाहे, अगर ट्रेन से आना चाहे तो मुलुंड स्टेशन उतर जावे, वहाँ से उतर के जो है 391 बस पकड़ेंगे तो यहाँ दरगाह पे उतरेंगे वो लोग। यहाँ पर एक है माजी की दरगाह कब्रिस्तान में है, दूसरा उनके नीचे मंसूर अली बाबा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, मैंने हजरत सैयद देवबंद शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की आपको ज़ियारत करा दिया हो, और मैंने आपको हिस्ट्री बताया हो, बताया जाता है यहाँ पर शेर आते हैं माशाल्लाह, पहले पूरा जंगल था और बहुत ही खूबसूरत आस्थाना बनाया गया है। तो अगर आप भांडुप आते हैं तो दरगाह शरीफ में ज़रूर आइए, सरकार के वसीले से मांगिए, इंशाल्लाह आपकी जायज़ तमन्ना रहेगी।
तो सरकार की दुआ से और अल्लाह के करम से आपकी जायज़ तमन्ना ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए अभी दूसरी दरगाह चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। चलिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए।